गया है। विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के मौजूदा राज्यपाल ESL नरसिम्हन की जगह लेंगे। अनुसुईया छत्तीसगढ़ में आनंदीबेन पटेल की जगह लेगी। बीजेपी ने उत्तराखंड से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी से निकाला है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। हथियार लहराते हुए डांस करने का वीडियो उनका सामने आया था। पार्टी से निलंबित थे, पत्रकार से दुर्व्यवहार करने के उन पर आरोप थे। सोनभद्र में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें 5 लोगों की मौत और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सोनभद्र में जमीन विवाद में हुई फायरिंग के मामले में ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों में 1 घंटे तक ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। पूरे मामले में 32 से ज्यादा लोग घायल हुए। संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने 2 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी और सिपाहियों के साथ से कैदियों को छुड़ा ले गए। यही नहीं, बदमाशों ने दोनों सिपाहियों के सीने पर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जहां पर दूर दूर से लोग आकर सीएम योगी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को बताया। सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी विधानसभा का ट्विटर हैंडल शुरू हुआ, कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। बागपत में साध्वी प्राची आर्या का एक बार फिर विवादित बयान सामने आया है। ऋचा भारती प्रकरण के जज के फैसले पर साध्वी प्राची ने बयान देते हुए कहा कि अगर जज ऋचा भारती को कुरान बांटने का फैसला सुना सकते हैं तो जिन लोगों ने दिल्ली समेत कई राज्यों में मंदिर तोड़ने का काम किया उन्हें राम नाम का पटका गले में डालकर कांवड़ लाने के आदेश भी सुनाए। चंदौली में बीजेपी विधायक ने कॉलेज में बच्चों को दिलाई बीजेपी की सदस्यता, छात्रों को बीजेपी का पट्टा पहनाया। मथुरा तहसील दिवस में आई शिकायत के आधार पर DM मथुरा सर्वज्ञ राम मिश्र ने प्राथमिक विद्यालय अमीरपुर पर छापा मारा। समय से पहले स्कूल की छुट्टी और स्कूल में लगे तालों को देख DM का पारा हाई हुआ। बच्चों के साथ शिक्षक और शिक्षिकाएं भी स्कूल से गायब मिली। प्रयागराज में अतीक अहमद के घर आर्य फोर्स के साथ CBI का छापा। अतीक के कई ठिकानों पर CBI की छापेमारी, कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाले गए। बाराबंकी में रामनगर के महादेवम स्थित लोधेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले दिन शिव भक्तों का तांता लगा रहा। पूरे दिन भक्तों ने बाबा के दर्शन किए। आगरा में सावन के पहले दिन मंदिरों में लगी रही शिव भक्तों की भीड़, भारी संख्या में भक्तों ने बाबा को जल चढ़ाया। योगी आदित्यनाथ सरकार में परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। RSS से जुड़े और फिर BJP के जरिए सक्रिय राजनीति में वो उतर आए हैं। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। शामली में यात्रियों से भरी बस रेलवे अंडरपासिंग में फंस गई। अंडरपास में बस फंसने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया। हापुड़ में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। संभल में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मुठभेड़ में 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। लखनऊ के पौश इलाके गोमती नगर विश्वास खंड में घर में घुसकर धारदार हथियार से युवक की हत्या कर दी गई। कमरे में युवक का शव खून से सना मिला। आगरा के सरोज हॉस्पिटल में इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत। प्रसूता की मौत पर परिवार वालों ने अस्पताल में काटा हंगामा। बाराबंकी के सफेदाबाद से स्कूल जाते समय मासूम का अपहरण हुआ था। पुलिस ने अपहरण मासूम को बरामद कर लिया है। बुलंदशहर में बच्चों में मामूली बात को लेकर महिलाएं आपस में मारपीट कर ली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गाजियाबाद के प्रेमनगर इलाके में बारिश के चलते जर्जर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से मलबे में 5 लोग दबने से घायल हो गए। आगरा में आबकारी विभाग की 5 टीमों ने कुल 10 बार और रेस्टोरेंट में छापेमारी की। टीम ने मौके से 16 बियर की बोतल भी बरामद की। आगरा में ताजमहल पर नाक से पेंटिंग बनाता युवक को देख पर्यटक हैरान हो गए। नोज पेंटर शिरोमणि डोले की कला के पर्यटक मुरीद हुए। वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में सेल्फी के चक्कर में 2 युवकों की मौत हो गई और 1 घायल हो गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सेल्फी लेते समय बाइक सड़क किनारे मंदिर से टकराई। गोंडा में स्कूल परिसर तो कहीं स्कूल के ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे हैं। कई बार शिकायतों के बाद भी खंभे तार नहीं शिफ्ट हुए।
लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में पति पत्नी के आपसी झगड़े को लेकर पति ने अपने 7 महीने का मासूम को मार दिया। कलयुगी पिता को गांव वालों ने बंधक बनाया। गांव वालों ने कलयुगी पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में ट्यूबवेल पर पानी पीने के दौरान मोबाइल फोन गायब होने को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में धान लगाने गए मजदूर की ग्रामीणों ने लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। वाराणसी में चंद्र ग्रहण काल समाप्त होते ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रावण महीने के पहले दिन दशाश्वमेध मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने देवाधिदेव महादेव बाबा भोलेनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और रुद्राभिषेक किया। मथुरा में सावन शुरू होते ही ब्रज के सभी मंदिरों में भक्तों का जनसैलाब, देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कानपुर देहात के मूसा नगर थाना क्षेत्र में मैजिक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर से बाइक सवार दादी और नाती की मौके पर मौत हो गई, एक घायल हो गया। अमेठी तहसील क्षेत्र के संग्रामपुर थाना अंतर्गत डेहरा गांव में दो परिवारों के बीच आपसी रंजिश में एक 12 साल के पढ़ने वाले नाबालिग बच्चे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। बिजनौर में बारिश के चलते नदियों में पानी भर गया। बाढ़ से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन ने इंतजाम नहीं किया। देवरिया में धनौती गांव में बारिश की तबाही से पुल बह गया। 5 दिनों से पूरा बिजली घर जलमग्न है। 1 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बिजली नहीं आ रही है। रामपुर में दूसरों की हिफाजत करने वाली महिला सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा खुदराम भरोसे। महिला कांस्टेबल के साथ 2 CISF के दारोगाओं ने उनके साथ छेड़छाड़ की, बदसलूकी की। इलाकाई लोगों ने उनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने आलमारी के ताले तोड़, नकदी समेत लाखों के गहने लेकर फरार हो गए। मेरठ के थाना टीपी नगर के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। महाराजगंज के निचलौल थाना क्षेत्र में छात्राओं के साथ छिड़कानी का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कुछ मनचले लड़के छात्राओं को रास्ते में रोककर उनके साथ छिड़कानी करते नजर आ रहे हैं। आगरा के टोरेंट की लापरवाही से एक हादसा हो गया। सूर्यनगर में MG रोड जाने वाली सड़क पर एक कार धस गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने महिला को कार से किसी तरह बाहर निकाला। देवरिया के स्कूल में बिजली विभाग की लापरवाही से हुए हादसे के बाद सीएम ने आदेश दिया था कि पूरे यूपी में स्कूलों का मुआयना और आवश्यक कार्रवाई की जाए, लेकिन तब भारत समाचार की टीम ने जिला मुख्यालय के 2 स्कूलों का दौरा किया तो पता चला कि छात्र मौत के साए में पढ़ने को मजबूर हैं और जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि हाई वोल्टेज का तार हटवा दिया जाए। बदायूं जिले में बीएड की फर्जी डिग्री के जरिए शिक्षक बने 38 लोगों पर SIT की जांच के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने शिकंजा कस दिया है। इन सभी लोगों ने फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी की थी। इन सभी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। मथुरा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। घटना को देख आसपास के लोग एकत्रित हो गए। बांदा में कर्ज से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या कर ली। किसान बैंक से 3 लाख का कर्ज ले रखा था। संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र में हंगामा कर रही भीड़ में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। हंगामे के दौरान महिला भी बेहोश हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों से मिलीभगत का आरोप लगा है। लखनऊ में राजभवन कॉलोनी में कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कानपुर में कांवड़ यात्रा के पहले दिन सड़क हादसा हो गया। कांवड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई। कानपुर देहात में पत्नी से तनाव के कारण युवक ने गंगा बैराज में छलांग लगा दी। गोताखोरों ने युवक को ढूंढने का काफी प्रयास किया लेकिन उसका पता नहीं चल सका। आगरा में अवैध खनन पर पुलिस की कार्रवाई हुई। राजस्थान से यूपी में ट्रैक्टर बालू का अवैध खनन कर रहे थे। 5 ट्रैक्टरों को पुलिस ने पकड़कर सीज कर दिया। कानपुर के ओमपुरवा इलाके में भीषण गंदगी के साथ ही घरों में सीवर का पानी भरने से नाराज BJP पार्षद शरद मिश्रा ने जल संस्थान पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ हंगामा काटा। बदायूं में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। आवास शौचालय को लेकर प्रदर्शन किया गया। बाराबंकी में टिकटॉक के लिए कार के ऊपर चढ़कर वीडियो बना रहे युवक का वीडियो वायरल। वीडियो बनाने के दौरान युवक को नहीं थी खुद की और सड़क पर चलने वाले राहगीरों की जान की चिंता। सोनभद्र की जिला जेल में दहेज हत्या के मामले में बंद कैदी बिजली के पोल के सहारे जिला जेल से फरार हो गया। जेल से कैदी के भाग जाने पर हड़कंप मच गया। गोरखपुर के झंगा थाना क्षेत्र के तुंडा नाले के पुल के पास एक लड़की की डूबकर मौत हो गई। NDRF की टीम ने सर्च ऑपरेशन कर शव को बाहर निकाला।
कानपुर में पेटीएम से घूस मांगने वाले अनवरगंज रेलवे स्टेशन पर तैनात दो आरपीएफ सिपाहियों आशीष चौहान और रामनारायण यादव को किया गया बर्खास्त। नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ राजधानी में स्क्वाड पर तैनाती के दौरान सिपाहियों ने घूस मांगी थी। मुरादाबाद में एसएसपी आवास पर हंगामा करने के मामले में 30 दर्जन से अधिक लोगों पर मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए गए। रिक्शा से स्कूली बच्चों को ले जाने पर एसएसपी ने रोक लगा रखी है, जिसके खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। आगरा के माथुर में एटीएम के अंदर आराम फरमाते नशे में धुत शराबी का वीडियो वायरल। एटीएम में चोरी की घटनाओं के बाद भी नहीं जाग रहा बैंक प्रशासन। आगरा में चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गैंग के 4 सदस्यों को पकड़ा। बाहुबली सांसद अतीक अहमद कांड को लेकर देवरिया जिले में 5 सदस्यों की सीबीआई टीम देवरिया जिले के कई होटलों में छापेमारी की। सोनभद्र में इंजीनियर हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया पत्नी से अवैध संबंधों के शक में युवक ने अपने दोस्त का प्राइवेट पार्ट काटकर उसकी हत्या कर दी थी। बुलंदशहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले छात्रों ने जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर में प्रदर्शन किया। कन्नौज में मंडी परिषद की जगह पर चल रहे आरटीओ ऑफिस नई जगह ट्रांसफर हो जाने के बाद भी दलाल उस पर अपना कब्जा जमा कर काम कर रहे थे, जिसे मंडी परिषद ने पुलिस प्रशासन की मदद से खाली कराया। गाजीपुर जनपद के भावरकोल क्षेत्र का सियाड़ी गांव में बाढ़ के पानी से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल डूब गई, साथ ही गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग भी टूट गया। सुल्तानपुर में बीती 2 जुलाई को क्षेत्र पंचायत सदस्य और बीजेपी नेता आशुतोष मिश्र की हत्या के मामले में पुलिस को सफलता। पुलिस ने हत्या के आरोप में फरार चल रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अमेठी में डीएम प्रशांत ने किसान दिवस के मौके पर किसानों के साथ गौरीगंज कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। अलीगढ़ में प्रेमी युगल ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई। लखनऊ के हज हाउस में हज यात्रा पर जा रहे यात्रियों का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान राज्य मंत्री मोहसिन रजा हज हाउस में मौजूद रहे। जौनपुर के गुरारी प्राथमिक स्कूल की हालत इतनी खराब है कि कभी भी गिर सकता है। एकदम जर्जर हालत में है सरकारी स्कूल। जर्जर स्कूल गिरने से कभी भी हो सकता है हादसा। गाजीपुर में मंचले ने स्कूल से घर जा रही छात्रा पर किया ब्लेड से हमला। बाइक सवार शोहदे ने छात्रा के हाथ में मारे 50 कट। गाजियाबाद में सावन की शुरुआत होने पर डीएम एसएसपी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया। कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों की निगरानी हेलीकॉप्टर से की जाएगी। आगरा में मामूली बात को लेकर युवक आपस में भिड़ गए, मारपीट की वारदात कैमरे में कैद हो गई। हमीरपुर जिले में महिलाओं के मामले में लापरवाही बरतने वाले थाना इंचार्ज को राज्य महिला आयोग की सदस्य ने सबके सामने जमकर फटकार लगाई। सीतापुर में शहर कोतवाली इलाके के मदरसे से 2 लड़कियां गायब हो गईं। लड़कियों के परिजनों ने मदरसा संचालक पर लड़कियों को गायब करने का आरोप लगाया। बस्ती जिले में एक लव जिहाद का मामला सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर हिंदू लड़की का 2 साल तक यौन शोषण किया। फिर जब लड़की को सच्चाई पता चली तो उसने शिकायत की, तो आरोपी युवक लड़की को जान से मारने की धमकी देने लगा। सुल्तानपुर के दूरसंचार विभाग के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। कार्यालय की 3री बिल्डिंग में मंजिल में आग लगने से हड़कंप मच गया। मिर्जापुर पुलिस ने शराब से हत्या लूट के खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है। फरुखाबाद में थाना शमशाबाद क्षेत्र के इस्लाम नगर में दबिश के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने ग्रामीणों पर कई राउंड फायरिंग की। अलीगढ़ पुलिस ने थाना गांधी पार्क इलाके में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 लाख की नकदी सहित कई एटीएम बरामद किए। बुलंदशहर में एनजीटी के आदेशों को लोगों को नहीं परवाह। खुर्जा में पालिका के लोगों ने स्कूल की फील्ड को न सिर्फ डंपिंग ग्राउंड बना दिया, बल्कि आज इन कूड़े में आग भी लगा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिन लोगार्ड ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 12 सितंबर 2019 तक क्रिस्टिन अपने पद पर बनी रहेंगी। वहीं कुछ वक्त के लिए डेविड लिप्टन आईएमएफ के कार्यवाहक प्रबंध निदेशक होंगे। हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से अपने गहन सैन्य सहयोग के कारण चीन ने श्रीलंका को एक युद्धपोत गिफ्ट में दिया है। अमेरिका ने म्यांमार सैन्य बलों के कमांडर इन चीफ तथा और चीन के अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों पर अल्पसंख्यक समुदाय रोहिंग्या के सदस्यों की गैर न्यायिक हत्या करने के कारण प्रतिबंध लगा दिया है।
चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय समिति के महासचिव राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भीतरी मंगोलिया स्वायत्त प्रदेश के छिफंग शहर में मानसा बन फार्म मांगशान गांव का दौरा किया। वॉल्यू एक्टर ऋषि कपूर पिछले 9 महीने से ज्यादा वक्त से न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवाने के बाद आराम कर रहे हैं। वो पिछले कई महीने से भारत आने की सोच रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D के डांस प्रैक्टिस के दौरान वरुण धवन के घुटने में लगी चोट, वरुण धवन भंगड़ा का एक टफ स्टेप प्रैक्टिस कर रहे थे। कंगना रनौत और राजकुमार राव की फिल्म जजमेंटल है क्या रिलीज के नजदीक है। ये फिल्म 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। 71वें एमी अवार्ड्स ने अपने नॉमिनेशन की लिस्ट जारी कर दी है। पिछले की तरह इस बार भी टीवी शो गेम ऑफ थ्रोन्स को एमी अवार्ड्स में धूम मची हुई है। 1920 से स्थापित संसार का पहला विश्व प्रसिद्ध लाल तेल फार्मेसी उन्नाव का लाल तेल फार्मेसी उन्नाव द्वारा बने लाल तेल की मालिश